जय माता दी दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, कल दिल्ली बाजार ने 13 के साथ खेल शुरू किया। फरीदाबाद 04, गाजियाबाद 16, गली में 27 और दिशावर में आज सुबह 31 देखने को मिली है। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, बढ़िया आशीर्वाद से आप सभी को दिल्ली बाजार में ऑल गेम के रूप में 13 देखने को मिली होगी, जो कि मैंने दिशावर के लिए निकाली थी और दिशावर में स्वयं कंपनी ने 31 खोलकर आप सभी को फायदा करवा दिया होगा। जिस ट्रिक को, जिस अंक गणित को मैं लेकर चल रहा था पिछले 3 दिन से कि कंपनी अपना अंक रिपीट करेगी, कंपनी अपना अंक रिपीट करेगी, आज वो ट्रिक सफल रही है। कंपनी ने 31 खोली है, मेरे पास 13 थी कि भैया 11 के बाद 13 का खेल खोल सकता है। दिल्ली बाजार ने 13 इस्तेमाल करी, दिशावर ने 31 इस्तेमाल करी। दिल्ली बाजार में तिग्गी का अंक कन्फर्म था कि कंपनी तिग्गी खोल सकती है। समझदारी इसी को कहते हैं कि अगर आपने ओल्ड एज जोड़ियों में देखा होगी, भैया तिग्गी के साथ एक आधी जोड़ी और अगर बनेगी तो कौन सी बनेगी, और आपने उसका इस्तेमाल किया हो तो दिल्ली बाजार 13 के साथ सटीक बैठ गई होगी, अन्यथा अंक का तो तिग्गी पास हुआ ही है। और दिशावर में 31, इक्के का अंक कन्फर्म था कि भैया इक्का खोलेगा, आपको इक्के से फ़ायदा मिलेगा। और सुबह जब 13 की जोड़ी रखी थी तो एक बात बताई थी कि कल शनिवार का दिन पड़ सकता है, इक्के के साथ तिग्गी सटीक बैठ सकती है। कंपनी अगर ट्रिक पैटर्न के हिसाब से काम करेगी, आपका कुंडू बाबा जीतेगा, आप जीतोगे। क्यों जीतोगे? क्योंकि मैं कंपनी को फॉलो करता हूं, मैं कंपनी के जो ट्रिक है, पैटर्न है, उनको पकड़ कर बैठा हुआ हूं कि कंपनी किसके बाद क्या खोलती है। अगर कंपनी लूट खसोट करेगी, अगर कंपनी जो जोड़ी खुलनी चाहिए उसको ना खोल के कुछ और तरीके से गेम खोलेगा, तो भैया फिर वहां पर हमें नुकसान होगा। अगर आप लॉटरी निकालो, लॉटरी में आपका नाम आ जाए, लेकिन अचानक से वो लॉटरी का जो नाम जिसमें आपका है वो फेंक के दूसरा नाम उठा लो, फिर आपकी हार तो तय है एकदम, फिर तो आपको कोई नहीं जिता सकता। जब परमात्मा ही चाहता है, जब वो बंदा ही चाहता है कि आप ना जीतो, तो फिर कैसे जीत जाओगे आप? और अगर सब कुछ ईमानदारी से चलेगा तो रिजल्ट कुछ इसी प्रकार होंगे कि भैया 31 जैसे खुली है दिशावर में, बढ़िया तरीके से मेहनत करके काम सफल करवाया है, दिल्ली बाजार में तिग्गी पास हुई है, ये आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ें। बाकी जगहों पर भी बेहतरीन खेल था, गाजियाबाद 16 पे 16 खोल दिया, काम बढ़िया किया हुआ था, लेकिन नहीं सफल हो पाई चीज़ें। तो भैया देखो, जितना मिला वो शानदार है। अब यहाँ से बढ़ते हैं फटाफट से आगे की तरफ। आज आपके लिए पकड़ जोड़ी का खेल लेकर आया हूँ, आज पकड़ जोड़ी में आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसलिए आपको पकड़ जोड़ी साझा कर रहा हूँ कि भैया फ़ायदा हो जाए, कहीं शनिवार बढ़िया बन जाए, संडे रविवार बढ़िया बन जाए, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 13, 31, 04, 16, 27 ये खेल आपको 06 को और 34 को पकड़कर चलने के लिए लाजवाब है। ये खेल आपको 06-34 पकड़कर खेलने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपको समझदारी दिखानी है, समझना है कि ये खेल खुल सकता है या नहीं खुल सकता, समझना है कि ये खेल आपको सफलता दिला सकता है या नहीं दिला सकता। अगर लगे कि हाँ तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर लगे ना तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वो कर रहा हूँ जो सबसे बेहतरीन है, और सबसे बेहतरीन कभी कभी थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है, उस चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब विद लोकेशन फटाफट से गेम कवर करेंगे। दिल्ली बाज़ार 13 के बाद क्या कुछ खास कर सकती है? तो यहाँ पे तिग्गी का अंक एक और बार कन्फर्म से आएगी, तिग्गी खोल सकती है कंपनी। अगर यहाँ पर तिग्गी खुली तो 03 बेहतरीन बनेगी, 53 का खेल बेहतरीन बनेगा, और 13 के ऊपर 13 खुलना बहुत बढ़िया चांस यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। समझदारी आपको दिखानी है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको पसंद है या नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये आपका भी बन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये आपको आकर्षित कर रहा है। हाँ तो गेम प्ले की जा सकती है, अगर ना तो खेल में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि समझदारी के साथ चलना ही जीत का सबसे बड़ा उपहार होता है। जीत वही होती है जब आपको पता हो कि आज गेम पास नहीं होगा तो ना खेलो, और अगर आपको पता है कि आज गेम पास हो सकता है तो बढ़िया से खेलो, यही जीत का सूत्र है। और इस सूत्र को आप रोज़ाना समझ सकते हो, रोज़ाना सीख सकते हो, रोज़ाना अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ से बढ़ते हैं फरीदाबाद की तरफ। 04 के ऊपर क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है? तो जो पकड़ जोड़ी है वो 34 यहाँ पर सटीक बैठ सकती है, 04 के ऊपर 14 का खेल लाजवाब बैठ सकता है, साथ में एक 03 काम करके दे सकती है। यहाँ पर आपका चौवा फेवरेट है मेरा, कि यहाँ पर चौवा आपको फ़ायदा दे सकता है। 34 और 14 में 03 इसलिए रखी है
ट्रिक जोड़ी है, पैटर्न जोड़ी है, काम करके दे सकती है। आपने दिल्ली बाजार में भी देखी होगी, फरीदाबाद में भी दिखा दी आपको, क्योंकि इसके चांस बन रहे हैं, इसके समीकरण बन रहे हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब यहाँ से बढ़ते हैं गाज़ियाबाद की तरफ। गाज़ियाबाद में 16 के ऊपर कंपनी क्या कुछ खास कर सकती है? तो कंपनी 16 के ऊपर जो ट्रिक इस्तेमाल करेगी, कल वाली ट्रिक आज भी रहेगी कि 38 का चांस बहुत बढ़िया रहेगा, कल वाली ट्रिक का 36 आज भी रहेगा, क्योंकि 16 के ऊपर ये जोड़ियाँ सबसे खास होती हैं। 16 खुलने के बाद ये जोड़ियों के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर 06 पकड़ जोड़ी में दे रखी है, 06 लोकेशन इसलिए निकालिए कि छक्का अगर रिपीट कर गया तो अपनी ही लोकेशन में 06 बना सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं कि भैया कंपनी क्या इस्तेमाल कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। यहाँ पे मेरे हिसाब से तिग्गी का अंक अंदर की तरफ बहुत लाजवाब बन रहा है और 6 का अंक बाहर की तरफ बहुत लाजवाब बन रहा है, इसलिए 36 और 06 का खेल दिया है और आपके सामने उसी प्रकार रख दिया है कि तिग्गी और छक्का इस्तेमाल किए जा सकते हैं, विश्वास दिखाया जा सकता है, विश्वास बने तभी, अन्यथा होल्ड कर दीजिए, इंतज़ार कीजिए आपके पसंदीदा अंक खुलने का, पसंदीदा जोड़ी खुलने का, उसके बाद आप खेल में जुड़ सकते हैं। खेल में जब भी जुड़िएगा तो अपने कुमार भाई के पास जुड़िएगा, बहुत ईमानदार है, बहुत विश्वास पात्र है। कल भी मेरे हिसाब से, अगर मुझे जितना याद है, एक स्क्रीनशॉट भी डाला था टेलीग्राम पर, कल भी करीबन 2000 इंटू की पासिंग जो थी टोटल मिला के सबको दी गई है, सबका भुगतान समय पे किया गया है। एक भाई की दिल्ली बाज़ार में बहुत मोटी गेम पास हुई थी, उसका भुगतान किया गया, बाकी जगहों पर भी जो भी पास हुआ सबका भुगतान समय पर किया गया है। आप सभी से निवेदन है, आप इनके पास गेम प्ले कीजिए, एक बार आजमा कर देखिए, मेरे कहने पर, मेरे विश्वास पर, आपको जगह पसंद आए, आपको कुमार भाई का काम पसंद आए, इनके साथ जुड़िए और लोगों को भी जुड़वाने का कष्ट कीजिए। अब यहाँ से बढ़ेंगे फटाफट से गली की लोकेशन पे। गली में 27 के ऊपर जो ट्रिक पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि 32 खुलने के चांस बन रहे हैं, इसी की फैमिली का 37 खुलने के चांस बन रहे हैं जो कि बहुत शानदार है, इसके अलावा एक 38 खुलने के चांस बन रहे हैं और तिग्गी यहाँ पर अनकट बन रही है। अगर आपकी तिग्गी यहाँ पर बन रही हो तो मेरे हिसाब से खेलिएगा, अंदर या बाहर दोनों जगह समीकरण बेहतरीन है, लेकिन मेरी अंदर की तरफ बन रही है 32, 37, 38 पे, इसलिए आपको 4 बार तिग्गी लिख के बता दिया है कि ये अंदर का साइन होता है, 3 बार लिखते हैं तो बाहर का साइन होता है, और ज़्यादातर जो मैं पहले खेल लिखता था उसमें 3 बार लिखता था, चाहे फिर वो अंदर पास हो या बाहर पास हो, मैं बोलता था कि पास है। आज मैं चीज़ों को समझते हुए यूँ कह रहा हूँ कि तिग्गी अंदर की तरफ ज़्यादा सटीक है, अगर आप अंदर की तरफ 10 का खेलो तो बाहर की तरफ 5 का भी लेकर चलना, क्योंकि वो काम हो सकता है। 83 खोल दे फिर आप बोलोगे बाबा जी यार मैं तो 38 खेल के रह गया, 38 खेल के मतलब 83 को भी सपोर्ट मिलो, अगर 10 इस पे रख रहे हो तो 5 उस पे भी रखो, आपको उससे क्या होगा, बैकअप मिलेगा, आपकी गेम पास होने के जो चांस बन रहे हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ से बढ़ते हैं फटाफट से अपनी फेवरेट लोकेशन दिशावर की तरफ। कल आपका कुंडू बाबा दिशावर किंग हो गया, भैया दिशावर में गेम पास हो जाएगी तो एक दिन तो ये ताज पहन सकते हैं आप और मैं कि भैया हमने दिशावर में गेम पास करवाई है, तो एक दिन तो हम कंपनी के जीजा बनेंगे, तो भैया आज हम कंपनी के जीजा हैं कि भैया हमारे पास कंपनी का ताज है, हमने दिशावर में 31 पास करवाई है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आज भी उस ताज को पाने के लिए उस पासिंग की तरफ। 51 का समीकरण लाजवाब, 38 का समीकरण लाजवाब, 58 का समीकरण लाजवाब, 3 जोड़ियां शानदार जोड़ियां कहां से खुलेंगी, कैसे खुलेंगी, सब कुछ आपके कुंडू बाबा के दिमाग में घुसा हुआ है, कैसे कहां से कौन सी जोड़ी इस्तेमाल कंपनी कर सकती है। यहां पे जो बेस्ट अंक है ना वो 38 वाला और 58 वाला अट्ठा, और जो 51 का पंजा और 58 का पंजा है ना, ये बेस्ट अंक है मेरे हिसाब से। यहां पर पंजे पे विश्वास दिखाइएगा, पंजा आपको यहाँ पर लाभ दिला सकता है, अंदर या बाहर दोनों जगह में से कहीं पर भी खुल सकता है। हमने तो 51 का अंदर रखा है, 58 का अंदर रखा है, 3 बार पंजा लिखा है, अंदर बाहर कहीं पर भी खुल सकता है, देखना आपको है, समझना आपको, मेरी तरफ से आपके लिए बढ़िया है। और जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है, ये परमपिता परमेश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस्तेमाल होती है या बताई जाती है, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, सब कुछ कृपा उस परमपिता परमेश्वर की है, और सब कुछ हार या जीत उस परमात्मा को समर्पित होती है। कोई भी यहाँ पर शोर शराबे वाली बात नहीं है, कोई भी मैं वाली बात नहीं है कि भाई मैंने करवाया, मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने सिर्फ आपके लिए अंक गणित बनाया, उस परमात्मा ने उस पे मोहर मार दी कि भैया ये सफल होगा, तुम अपना जीत हासिल करो।
ऐसी ही कृपा आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी बनी रहे। हम दोनों, जो मैं हूँ और आप हैं, एक दूसरे का साथ ऐसे ही देकर चलते रहें। इसके अलावा मुझे तो लगता नहीं हमें किसी से, एक दूसरे से कुछ और चाहिए। ऐसे ही अंकगणित आगे भी मिलता रहे। आप इतनी प्रार्थना करना और मैं इतनी आपके लिए कोशिश करूँगा। इन शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, ढेर सारा प्यार।